आइए आइए चौधरी साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? भाई पता चला कि इस साल आप मिल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं, सोचा कि आपको मुबारकबाद देता चलूं। भाई खड़ा तो हो रहा हूँ, मगर धनराज जी है ना, 8 साल से प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे, उनके मुकाबले में मुझे कितने भाई, 2 वोट की गारंटी तो मैं देता हूँ, एक अपने और दूसरे आपके। प्लीज कम इन, आइए कम। कृष्णा कृष्णा, अरे कृष्णा तुम जो इशारे मालकिन पुकारे रे पम पम अच्छा वो ये गाड़ी चल पड़ी 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 अरे राम नो कृष्णा फिर से रुक गई, नीचे उतरो कृष्णा, धक्का लगा। अरे लगा रहे ना, एक तो चढ़ा रहे ऊपर से गाड़ी पे खटा रहा है, चल 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 हट हट। पहुंच गए कृष्णा, पहुंच गए। अरे छोटी मालकिन, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने आपसे लिफ्ट मांग के। और सुनो, बड़े भैया को खाना देने के बाद पारस थिएटर से 4 टिकटें ले आना, मैंने अपनी सहेलियों को आज फिल्म दिखाने का वादा किया। अरे वो तो ठीक है छोटी मालकिन, मगर इस डिब्बे का क्या करेंगे आप, यहाँ तक तो हमने पहुँचा दिया, अब आगे कौन पहुँचाएगा? खुद ये डिब्बा। अरे फिल्म तो हाउसफुल होगी ज्योति। अच्छा माना, मैंने कृष्णा को पहले ही भेज दिया, लेकिन उसे टिकट तो मिल जाएगी ना? अरे तुम लोग कृष्णा को अच्छी तरह जानती नहीं, वो बहुत होशियार है। लेकिन गया कहाँ तुम्हारा कृष्णा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आ गई। हो गए तुम। ओ कृष्णा। छोटी मालकिन। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ छोटी मालकिन, कुछ भी नहीं हुआ। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? अरे उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, और जो कुछ भी हुआ ना वो इनकी वजह से हुआ है। इसका मतलब तुम्हें टिकट नहीं मिली? अब अपने मुंह से कैसे कहूं कि टिकट नहीं मिली? अरे ज्योति, तुम्हारे कृष्णा ने तो सारा मूड खराब कर दिया। अरे छोटी मालकिन, आप एक टिकट में एक हीरो की फिल्म देखती ना, हम आपको बिन टिकट 3 हीरो की फिल्म दिखा सकते हैं। नहीं, वो कैसे? फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो, ये करके अंदर न जाऊं आ बाहर सिनेमा दिखाऊं, ये करके अंदर न जाऊं आ बाहर सिनेमा दिखाऊं, जो कहे तू मैं बन के बताऊं। अरे भाई कितनी दफा मैंने कहा कि खाना खा लिया करो मेरे बगैर, कोई मानता ही नहीं है। ये बैठिए ना हमारे साथ। वाह बड़े भैया वाह, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपके आने के पहले खाना खा लिया हो? पश्चिम से आज तक सूरज नहीं निकला बड़े भैया, और ना ही कभी निकलेगा। कृष्णा खाना लगा दे। बड़ी चंद दिनों की मेहमान है अब तू इस घर में। क्यों भैया, कहाँ जा रही हूँ मैं? बड़ी सीधी सी बात, तेरी शादी हो रही। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मिल ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए इस साल 2 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। एक हैं श्री धनराज जी, जो पिछले 8 सालों से इस कुर्सी की जिम्मेदारी संभालते चले आ रहे हैं, और दूसरे उम्मीदवार हैं श्री कुमार साहब, जो पहली बार प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं। श्री धनराज को 11 वोट मिले हैं और श्री कुमार साहब को 13 वोट। तुम्हारे कुमार भाई की बर्बादी। नकल भाई, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे तुम करते जाओ, ये तुम्हारे कुमार भाई को आसमान से खींचकर जमीन पर न गिरा दूं तो मेरा नाम भी धनराज नहीं। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। इस घर इस अंगना में हमको हंसाना रुलाना भूल न जाना छोटी मालकिन। तुम सजना के घर जाओगी, हम याद बहुत आओगी। इस घर इस अंगना में हमको हंसाना रुलाना भूल न जाना छोटी मालकिन। तुम
सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। हेलो, क्या क्या हुआ साहब जी? क्या बात है? क्या हुआ भैया? साहब जी क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई कृष्णा। अरे बड़ा भैया, अरे साहब जी, साहब जी मेरा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है नागपाल भाई, तुम्हारे कुमार साहब को तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिर्फ जख्म दिया है, उस पर नमक छिड़कना तो अभी बाकी है। हेलो चौधरी साहब, आपने शगन के तोहफे वापस क्यों भेज दिए? जब लड़के वाले शादी ना कर सकते हो तो शादी के तोहफे वापस कर दिए जाते हैं कुमार। कुमार भाई मैं क्या करूं, राहुल शादी से इनकार कर रहा है, उसे ज्योति पसंद नहीं। बात सीधी सी है चौधरी, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, आपने भी आंखें फेर ली मुझसे। है तो थारी अपनी, कोई चोरी वोरी की तो ना है? नहीं सेठ जी, चोरी की नहीं है, किसी का दिया हुआ तोहफा है, किसी के अच्छे वक्त की निशानी है। आज उसी पे बुरा वक्त आया है, इसलिए मजबूरन बेच रहा हूं। चल ये ले। अरे भैया क्या? हट जाओ ज्योति। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी आपने हमें चोर कैसे कहा? साहब जी और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा इस घर से। हम जा रहे हैं साहब जी, और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। ये क्या सुन रही हूं मैं? आपने कृष्णा पर हाथ उठाया, उसको घर से निकल जाने के लिए कहा? आप क्या समझते हैं हमारा कृष्णा चोरी कर सकता है? अरे अगर भगवान भी जमीन पर उतरकर उसके खिलाफ गवाही देना तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। आप किसे मानते हैं? कौन कमबख्त मान गया कि कृष्णा ने चोरी की है? फिर आपने ऐसा क्यों किया? बड़ी सीधी सी बात है, जान के समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कृष्णा को कोई कुछ कहता है तो एक तीर सा लग जाता है मेरे दिल में। आज वो तीर पूरी तरह घुस गया है मेरे दिल में, जब लोगों ने उसे चोर कहा। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने जख्मी दिल को, बड़ी मुश्किल से उठाया ये हाथ मैंने उसे मारने के लिए, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कहा कि निकल जा घर से। वैसे तेरा मेरी बात, अरे चला कर, कमाल का शहर है, यहां कोई बात ही नहीं सुनता। भाई साहब यहां रहने के लिए घर कहां मिलेगा? क्या घर? इसमें हंसने की क्या बात है? अरे बांगड़ू, तेरे को बंबई का टिकट काट के दिला किसने रे? बिना टिकट आया, मेरे पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए। तो फिर सुन, अपुन भी जब बंबई आया था ना, अपुन ने भी यही सवाल पूछ लिया था, रहने के वास्ते घर कहीं मिलेगा क्या? 20 साल हो गया अभी तक जवाब नहीं मिला है। बस करो बस करो। अरे अरे मेरा अरे मेरा बक्सा कौन उठा के ले गया?
क्या बात है बे? भाई साहब वो बक्सा मेरा है, वो स्टेशन पर से चुरा के लेके आया है, उस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, कृष्णा। हाँ। देख अभी अपना दिमाग को सटके लग गया। अरे भाई साहब हमारी बात ये भंडार चल पेटी ला, चल देखो पेटी उठा। भगवान का सब, घबराओ नहीं भैये, सही हाथों में आके अटके हो। अरे गुरु क्या कर रहे हो, मार मार के नोने का भी प्रोग्राम बिगाड़ दोगे क्या? और भैये तू भी अपना रास्ता ना, ये गुरु बड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अरे मगर मेरा बक्सा इसने। अरे बक्से को मार गोली और तू गुल हो जा। भैये तेरे बक्से से महंगा है ये खून। देखो भैया हमने तुम्हारी बड़ी मिन्नतें की, हाथ भी जोड़े पांव भी पड़े, अब मैं हाथ खोलता हूं। क्यों बे, अब तेरे गुरु का प्रोग्राम बिगड़ गया तो सटक रहा है? जाने देने। मैं फिल्म लाइन में प्रोडक्शन मैनेजरी करता हूँ और आर्टिस्टों को एयरपोर्ट छोड़ने और लेने जाता हूँ। आर्टिस्टों को यानी कि हीरो हीरोइन को भी? सबको यार, मुझे एक बार अमिताभ बच्चन से जरूर मिलाना है। भैये अब तू मेरे पास आया है तो तेरा ये प्रोग्राम भी फिट कराई देंगे। पापा जी। क्या भाई? सर वो ये कृष्णा है, बहुत ही मेहनती लड़का है सर, वो स्पॉट बॉय की नौकरी चाहिए। छोटी मोटी बात है, रख लो इसे, हमसे क्या पूछते हो? बहुत उपकार हो गया आपका पापा जी। जी रहने के लिए घर इन्होंने दे दिया, कपड़ा हम पहन कर आए थे और रोटी रोटी आपने दे दी। वाह हमको बम्बई जम गई पापा जी, हमको बम्बई जम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। देख के ई बम्बई का नजारा, दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। देख धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। मेरी सफर तुम्हें बताओ, हमारे पास तो बचे ही क्या है? गरीबी दुख दर्द तकलीफें, मैं नहीं चाहता था कि वो भी हमारे चाची जिंदगी जी। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, मैं कैसे देख सकता था कि हमारे अभाव की आग उसकी जिंदगी भी जल जाए, उसकी जिंदगी भी जल जाए। हम समझ गए कि साहब जी ने हमसे नाटक किया था। वो चाटा नाटक था। साहब जी तो हमसे बहुत प्यार करते, साहब जी तो हमसे बहुत प्यार करते। नहीं नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की है, उसने तो सिर्फ तुम लोगों को आईना दिखाया है। तुम लोग अपनी शक्ल देखकर इतना चिढ़ जाओगे, उस बेचारी को क्या मालूम था। तंज के तीर मारने से तो अच्छा होगा कि आप अपनी बात साफ साफ कह दें। अगर आपको हमसे इतनी नफरत है तो आज तक हमसे रिश्ता क्यों जोड़ा है? इसलिए कि तुम्हारी मरती हुई माँ को इन्होंने वचन दिया था कि उसके बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। अगर ये जानते नहीं थे कि वही बच्चे एक दिन उन्हें खून के आंसू रुलाएंगे। अरे इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, इतनी जल्दी भूल गए? इन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं, इनका फर्ज। Thank you.
हिम्मत ना हारू तो क्या करूं? दिन का 50 और 100 रुपया कमाने वाला आदमी साहब जी का लाखों रुपए का कर्जा कैसे उतार सकता है? जहां नीयत अच्छी होती है ना, वहां सब कुछ हो सकता है। 6501 टेक वन एक्शन। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और जुर्म के इस काले एक्शन। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और तू ये सब डायलॉग बोलेगा? हाँ, मेरे को याद है ना डायलॉग। इतना लंबा डायलॉग उधर जाके बोलेगा तू कैमरे के सामने? बुरा मान जाएंगे। तू डायलॉग बोलेगा? नहीं सब, बुरा मान जाएंगे वो। तू डायलॉग बोलेगा? हाँ हाँ, मैं मुजरिम हूँ। जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कहते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा ये विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता। कोई आदमी अपनी माँ के पेट में बुरा भला नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता। कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता। कोई तवायफ अपनी खुशी से अपनी जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। ब्रावो ब्रावो। एक बात समझ में नहीं आ रही है धनराज, तुम कुमार साहब की कोठी खरीदना चाहते हो और मैं अपने रुपए वसूल करने के लिए उसे बेचना चाहता हूं। बराबर। तो फिर तुम मुझे रुपए देकर कोठी सीधी अपने नाम क्यों नहीं करा लेते? यह नीलामी क्यों? तुम्हें समझता ना थी, जब घर की नीलामी होती है ना तो घर वालों की इज्जत की चिंदी चिंदी हो जाती है। जानकी, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मुझे कौन सहारा देगा? हाँ, मैं जानता हूं बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया है तुम पर। नीलामी की बोलियां तुम्हारे कानों में गूंज रही हैं, मैं जानता हूं। देखो जानकी, 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 नहीं भाभी मां, नहीं भाभी मां, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती। भाभी मां, क्या हम तुमसे इतनी दूर इसलिए गए थे कि तुम हमसे हमेशा के लिए दूर चली जाओ? क्या हम शहर जाकर दिन रात किसलिए काम करते रहे कि जब हम तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम हमसे बात भी ना करो? ये देखो भाभी मां, ये देखो ये कितनी ढेर सारी साड़ियां लेकर आए हम तुम्हारे लिए। ये देखो, ये गुलाबी, ये काली, ये लाल, ये देखो मगर हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेकर नहीं आए भाभी मां। हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेकर नहीं आए भाभी मां। कैडेट कृष्णा, कृष्णा, ए बच्चे डोंट वीप। कृष्णा, हे, ये अपने गुड जॉब बेटा, कृष्णा जी, कहते हैं हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। आज आप शोहरत के आसमान पर एक जगमगाता हुआ सितारा बन के चमक रहे हैं। मैं जान सकती हूँ इसके पीछे किसका हाथ है? साहब जी, ये वो नाम है जो मैं भगवान से पहले लेता हूँ, क्योंकि भगवान भी बहुत कुछ देकर वापस ले लेता है, मगर मेरे साहब जी ने मुझे सिर्फ दिया ही दिया है। आज मैं उनसे दूर सही, मगर उन्हीं की दुआओं के बदौलत आज हजारों लाखों आदमी बैठकर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। I'm not afraid to die.
रिपोर्ट। अब हमें जिंदगी के स्टेज पर एक नया पार्ट अदा करना है, साहब जी के हर एक दुश्मन से मिलना है, नए रूप में नए नाम से। सेठ धनराज, बोलो चो, बोलो। आपके पास एक कोठी है स्वर्ग नाम की, बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 70 में। अब कौन साहब बोल रहे हैं? 80। आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है। ओके। गुड मॉर्निंग, ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। हेलो बेटी, बेटी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्यों? धनराज। कृष्णा तू? हाँ मैं। तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखने के लिए आया हूँ। याद है धनराज? ठीक ऐसा ही नजारा हमने पहले भी कभी देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम खुश थे और आज मैं खुश हूं। यहां तुम्हारे मिल में आग लग गई है और वहां 90 लाख पाने के चक्कर में तुमने स्वर्ग भी बेच दिया। मैं समझा नहीं। जरा सोचो कि अगर वो 90 लाख भी तुम्हारे पास ना रहे तो। नहीं! सेठ जी, ये क्या? आपका मैनेजर कह रहा आप हमारे माल की डिलीवरी नहीं लेना चाहते? ऐसा गजब मत कीजिए सेठ जी, हमारा माल, हमारा घर बार सब नीलाम हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सेठ जी। यही तो मैं चाहता हूं। कृष्णा, तूने मुझे सब कुछ दिया है भगवान, मगर साहब जी के बिना सब अधूरा है। उनसे मिला दे भगवान, उनसे मिला दे मुझे। साहब जी, क्या हाल हो गया साहब जी? क्या हो गया तेरे तेरे जाने के बाद? किस्मत चिरूट गई रे कृष्णा, सब कुछ छीन गया, यहां तक कि तेरी बड़ी मालकिन भी मुझे छोड़कर चली गई। हाँ हाँ, पता लगा, पता लगा साहब जी। तुझे कितने अरसे के बाद देख रहा हूं रे तुझे। छोटी मालकिन कैसी है? Please, 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 please
अरे भाई तुम लोग एक दूसरे को देखते ही रहोगे या घर में भी चलोगे? चलिए साहब जी। हे कृष्णा, चल। स्वर्ग आपके बिना वीरान पड़ा है साहब जी। साहब जी, इनको इनके किए की जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिल चुकी है। अब ये लोग दुखी हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं। इन्हें माफ कर दीजिए साहब जी। अगर आज मैंने इन्हें माफ कर दिया तो वो बड़े भाई जो बाप की तरह छोटे भाइयों को पालते हैं वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बात सीधी सी है रे ज्योति, अगर आज इन्होंने अपना बुरा वक्त सुधारने के लिए अपनी आंखों में आंसू भी भर लिए तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल जब वक्त बदलेगा इनके रंग नहीं बदलेंगे? इस बात की गारंटी है? नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। कृष्णा, इन लोगों को मेरी नजरों से दूर कर दो, मुझे घुटन हो रही है। एक दिन इन्हीं बच्चों को सीने से लगाकर तूने मुझे वचन दिया था कि कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, और आज यही बच्चे तेरी आंखों के सामने हैं तो तुझे घुटन हो रही है। कृष्णा, मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूं। नहीं कृष्णा, मैं जीना नहीं चाहता रे। मेरी मेरी हर खोई चीज तूने लुटा दी। मेरे 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 भाई, मेरे भाई, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, मान मर्यादा, ईश्वर, इतने एहसान किए हैं तुमने मुझ पर, एक एक एहसान और करते हैं। बोलो साहब जी, हुक्म करो। छुट्टी का था ये पगली दिली दिल में बहुत बहुत प्यार करती है तुझसे। इसका हाथ भी बुला रही है मुझे। सत्य, ये क्या किया आपने? ये क्यों किया आपने? आपकी जिंदगी आपके मुट्ठी में थी और आपने मुट्ठी नहीं खोली साहब जी। मुझसे कहते हैं